और आप भी थम्स अप कर दो वीडियो का, जाओ लाइक करो। किसी का नहीं लाइक करने का मन हो तो सब्सक्राइब कर दो फिर, और किसी को सब्सक्राइब हो रखा हो तो शेयर कर दो अपनी मम्मी पापा फ्रेंड्स के साथ, और उसके बाद वीडियो एंजॉय कर लो। तो ये व्लॉग होने वाला है शादी व्लॉग, जहाँ हम फाइनल तैयारी कर रहे हैं, अभी विदाई हो रही है। एज यूजुअल जुमी इज गोइंग टू मासीज हाउस। तो हम लोग सुबह निकल चुके हैं और रास्ते में हैं, लुधियाना जाएंगे। 3 दिन का हमारा पंजाब का टूर है, वहाँ से अमृतसर भी जाएंगे और शादी जलंधर में है, तो तीनों सिटीज कवर करेंगे पंजाब की। तो हमने लिया है एक ब्रेक, क्योंकि 2-2.5 घंटे से गाड़ी में बैठे हैं। जब हम घर से निकले थे तो बड़ी बारिश हो रही थी, और अब यहाँ पे अच्छी सी धूप निकली है, तो हमने सोचा यहाँ पे रेस्ट करके कॉफ़ी पी लें और अनंतिया को आइसक्रीम खानी थी। तो जनरली जब भी आप ट्रैवल करें तो अपने साथ हल्का फुल्का कुछ खाने का पैक ज़रूर कर लीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने की आलू की सब्जी और पराठे और थोड़े से स्नैक्स। ये मिस आनंद है जो अपनी मम्मा को अपनी आइसक्रीम नहीं टेस्ट करा रही है, ये बाबा आपको खाना है। लो देखो ये आइसक्रीम है जो अब मैं टेस्ट करने वाला हूँ। पापा को ना ब्लॉगर बनने का मन है ना, बस इसलिए मैं इनको नहीं देती हूँ। हे गाइस, तो हम फाइनली तैयार हो गए हैं और हम शादी में आ गए हैं। मैं आपको एक ट्रैवल हैक बताती हूँ कि अगर आपको जल्दी पहुँचना है तो आप सुबह जल्दी निकलिए, क्योंकि सुबह अगर आप 7-8 बजे तक निकल जाते हैं तो आपको ट्रैफिक नहीं मिलता, जो भी शॉप्स नहीं होती हैं वो ओपन नहीं होती हैं, तो रोड आपको खाली मिलती है, और कम से कम आप अपना 1 से 1.5 घंटा बचा लेते हैं अगर आपकी 7 से 8 घंटे की जर्नी होती है तो। और यहाँ पे अनंतिया भी तैयार हो रही है। फनी है कि इसने पजामा पहना है क्योंकि ठंड है, और आई मेकअप भी किया है मैडम ने। तो हम लोग परफॉर्मेंस की वेट कर रहे हैं, और यहाँ का इन लोगों का प्रीवेडिंग शूट चैल हुआ है, चैल हैमलेट में, और अभी हरगुन की परफॉर्मेंस होगी और हम लोग अभी उसके लिए वेट कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। और सारा प्रीवेडिंग शूट कहाँ हुआ है, चैल में, चैल हैमलेट। सगाई से आने के बाद हम अपने होटल रूम में आ गए हैं। शादी का वेन्यू बहुत ही सुंदर और बहुत ही बड़ा था, वहाँ परफॉर्मेंस हुई, आप लोगों ने जैसे कि देखा परफॉर्मेंस में बहुत मजा आया, अनंतिया को मजा आया, और खाना भी बहुत टेस्टी था। तो हमने बहुत डांस किया और अब मैं अपना स्किन केयर कर रही हूँ, अब मैं अपना स्किन केयर कर रही हूँ क्योंकि मेरी स्किन बहुत ड्राई ऑयली सब है। क्योंकि हमने सुबह प्लान किया हुआ है कि हमें अमृतसर निकलना है, और हम अब रात को लेट सो रहे हैं तो हम देर तक रेस्ट करेंगे, लेकिन एक काम हम लोगों ने अच्छा किया है कि हम सब लोगों ने अपने सामान को प्रॉपरली अरेंज कर दिया है, सो दैट हमें कल सामान को पैक करने में ज़्यादा टाइम ना लगे। और अब बस गुड नाइट, मिलते हैं सुबह। अनंतिया को चाहिए 5 मिनट उठने के लिए, तो इतनी देर में बाकी सामान पैकिंग कपड़े निकाल लेते हैं, क्योंकि अब आज हम जा रहे हैं गोल्डन टेम्पल देखने अमृतसर, और जितना हमें टाइम मिलेगा उसमें हमें लग रहा है हम जलियांवाला बाग और वाघा बॉर्डर भी घूम लें। तो पहुंच गए हम अमृतसर, और यहाँ पे जो मौसम है वो फॉग है। जब हम लुधियाना से निकले थे तो वहाँ तो काफ़ी अच्छी धूप थी, बट यहाँ पे सन हमें मिला नहीं। तो हम बैठ गए रिक्शा में, और रिक्शा से अब हम जा रहे हैं गोल्डन टेंपल, क्योंकि आज बसंत पंचमी भी है, इसीलिए हमने येलो सबने येलो पहन, मैंने भी पहन रखा है टू गिव इट अ थीम। कार पार्किंग हमने कर ली है यहाँ पे, अच्छी मल्टी लेवल पार्किंग थी। उसके बाद वहाँ से हमने रिक्शा लिया है जिसने हमसे चार्ज किए 100 रुपीज पर रिक्शा, तो हम 3 सवारी आ गई रिक्शा पे। गोल्डन टेम्पल में दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं जलियांवाला बाग, क्योंकि अनंतिया ने हिंदी चैप्टर में पढ़ा था जलियांवाला बाग के बारे में।
बट यहीं पे वो वेल था जहाँ पे सब लोग कूदे थे, कितनी बड़ी वेल है। हाँ तो बस जलियांवाला बाग हमने घूम लिया है, थोड़ा अनद्या ने पढ़ा था तो उसको बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है यहाँ पूरा घूमने का। और अब लंच टाइम हो गया है, हम इसको मैकडॉनल्ड्स खाने का मन है, लेकिन रूपम आंटी ने बोला है कि क्या खाना है, अमृतसरी कुलचे। तो रूपम आंटी की डिमांड पे हम अमृतसरी कुलचे शायद खाएं। तो हमने ऑर्डर किया है ये अमृतसरी कुलचा और अब हम इसे इंजॉय कर रहे हैं और आप लोग भी अपना लंच ब्रेकफास्ट जो भी कर रहे हैं वो कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर किया है थम्सअप, ये कांच वाली थम्सअप हमारे यहाँ तो मिलती नहीं है, अब मिलती है प्लास्टिक की टेट्रा पैक वाली। और आप भी थम्स अप कर दो वीडियो का, जाओ लाइक करो, किसी का नहीं लाइक करने का मन हो तो सब्सक्राइब कर दो फिर। और किसी को सब्सक्राइब हो रखा हो तो शेयर कर दो मम्मी पापा फ्रेंड्स के साथ और उसके बाद वीडियो एंजॉय कर लो। तो यहाँ के कुलचे आपने जैसे देखा, हमने खाए, हमने इतना खाए कि हम 3 की फैमिली थी, हमने 7 कुलचे खत्म कर दिए हैं और हमारा पेट अब भर गया है। कुलचों की बेस्ट बात ये थी कि एक तो सॉफ्ट थे, बहुत ही क्रिस्पी थे और गरम गरम बटर के साथ थे तो बहुत ज्यादा खा लिया है ना। तो ये है शॉप की लोकेशन और ये वो गली है जो कि गोल्डन टेम्पल से सीधा यहाँ पे आती है। हाय गाइस, दिस इज अनन्या आनंद हियर व्लॉगिंग। पापा का मन नहीं था, मैंने 4 पेयर खरीदे, मैं एक दो पेयर और खरीद सकती थी लेकिन अगर मुझे पसंद आएंगे तो मैं ऑर्डर कर लूंगी ऑनलाइन। ये है अहूजा पंजाबी जूती, अहूजा पंजाबी जूती। ये कहाँ पर है ये भी बता दो, किसी को आना है। ये गोल्डन टेम्पल पार्किंग के बहुत पास है। तो अब हम वाघा बॉर्डर से लौट रहे हैं क्योंकि वाघा बॉर्डर में अभी अलाउ नहीं है, परेड तो होती है लेकिन जो जनरल ऑडियंस है वो लोग नहीं देख सकते हैं, आपको VIP पासेस ही चाहिए तभी आप यहाँ आ सकते हैं। तो हमारे पास पासेस तो थे नहीं तो अब हम लौट रहे हैं और वैसे भी हमें रात का फंक्शन अटेंड करना है तो हम काफ़ी लेट हो जाएंगे, इसलिए हम वापस जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है सिख है तो सुबह ही शादियां होती हैं, तो 9-10 बज रहे हम ब्रेकफास्ट करके आ गए हैं और अब हम तैयार होंगे और सीधा जलंधर शादी अटेंड करेंगे और वहीं से कहीं पे चेंज करके दिल्ली निकल जाएंगे। अनंत्या क्या आप ऐसे ही जाओगे शादी में? ऐसे कहां, मतलब मैं भाग रही हूं, सारा सब कुछ प्लान है तो मैं बाहर बोले आई हूं। की तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। यहाँ पे हम रेडी हो गए हैं, वेडिंग में आए हैं तो नॉर्मल सा सूट पहन लिया है और ये बड़े बड़े से इयर रिंग्स लगा लिए हैं, सो दैट थोड़ा सा हैवी लुक दे दूँ सूट को। और बस अब हम रेडी हो गए हैं, इसके बाद बस डांस करके निकलेंगे। शादी पे आना और फिर लंबा ट्रैवल करना है तो जैसे कि हमने क्या किया था, अपने जो डेली वेयर के कपड़े या जो ट्रैवलिंग के क्लोथ्स हैं उनको ऊपर ही रखा था अपने लगेज में, जल्दी से निकाला, वेन्यू में ही चेंज किया और अब हम जा रहे हैं। हाय, तो यहाँ पे हम आए हैं खन्ना और मैं मिल रही हूँ अपनी स्कूल फ्रेंड से, चांदनी से, करीबन 17-18 साल बाद हमारा मिलन हुआ है तो मैं यहाँ से निकल रही थी। 22 ईयर्स बाद हमने स्कूलिंग साथ की थी तो उसके बाद हम अब मिल रहे हैं, तो बस थोड़ा सा मोमेंट पहले इंजॉय कर ले फिर आपसे बात करेंगे। तो अनंत्या के फैंस यहाँ मिल गए खन्ना में, हेलो कर दो। हेलो, हाय। तो फाइनली हम घर आ गए एंड इट्स ऑलरेडी 10:30, तो बस अब सोएंगे और मैं इस ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ। थोड़ी सी कोशिश की थी कि आपको हैक्स के साथ ब्लॉग दे पाऊँ, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब।